हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए तो आज बनाते हैं हम लोग मावे के पेड़े, जिनको बनाना बहुत आसान है, बनाने में आसान है, खाने में टेस्टी है। मथुरा के पेड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो पेड़े आज घर पे बनाते हैं। जिसके लिए मैंने कुछ मावा लिया है, गैस पे उसको अच्छे से भूना है। मीडियम से लो फ्लेम पे मैंने अपने मावे को अच्छे से भूना है। भून कर देखिए गाढ़ा हो चुका है, उसका टेक्सचर भी कितना क्रीमी हो रहा है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। मावे को अच्छी सी खुशबू आने तक भूनना है और उसका कलर जब तक थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको भूनना है। लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तेज पर भूनेंगे तो हमारा मावा जल जाएगा, फिर उसमें टेस्ट नहीं आएगा, उसमें जले की खुशबू आएगी। बहुत स्लो फ्लेम पर आराम आराम से हमें इसे भूनना है। देखिए इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और ये खुशबू बहुत अच्छी दे रहा है, अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पर आकर मैंने इसमें नारियल का बारूदा ऐड करा है, इलायची पाउडर ऐड करा है और 5 मिनट के लिए फिर से भूना है। अगर नारियल को भी हम भूनते हैं तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए इसमें फिर मैंने 1 कप बूरा यूज़ करा है, बूरा को इसमें मिलाया है और अच्छे से इसको मिलाया है मैंने। अगर इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है प्रॉपर, अच्छे से नहीं बन पा रहा है लड्डू आपका या पेड़ा आपका, तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें दूध का यूज़ करा है ताकि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, अच्छे से ये बन जाए। नारियल का बारूदा डालने से थोड़ा सा रूखा बना जाता है इसके अंदर, और इसको बाइंड करने के लिए हमें इसमें दूध का या घी का यूज़ करना होता है। मैंने इसमें घी का यूज़ ना करके दूध का यूज़ करा है। 1-2 चम्मच मैंने इसमें दूध डाला है और इसको अच्छे से मिलाया है, और देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो पा रहा है। बहुत अच्छे से इसका फॉर्म, बहुत जो पेड़े की फॉर्म होती है उस फॉर्म में ये आ चुका है। अच्छे से इसको मिला लिया है और फिर अपने दोनों हाथों की मदद से हथेलियों से दबा कर मैंने पेड़े को रेडी करा है। जैसे ही पेड़ा रेडी हो जाए उसको बूरा में फिर से बूरा में मैंने उसको डाला है, और ताकि बूरा बुरबुरी उसके ऊपर आ जाए। देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, रेसिपीज मिलती रहें। बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपने पेज पर अपलोड करी है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरे पेड़े कितने अच्छे से बन गए हैं, और मैंने बूरा को इस तरीके से पेड़े पे लगाया है जिसमें देखने में बहुत अच्छा लगता है ये, और खाने में भी टेस्ट आता ही है। मेन चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने खाने को, और खाने में तो वो अच्छे होते ही हैं पेड़े। एक बार देखिए कितने अच्छे से मेरे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। सारे पेड़े मैंने अपने बना लिए हैं और इनको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितने अच्छे से, कितने सॉफ्ट ये बन के रेडी हुए हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं पेड़े, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे पेड़े। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको अपने पेड़े कितने अच्छे से ये बने हैं। अंदर से भी बहुत अच्छा इनमें टेक्सचर आया है, टेस्ट में भी अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा मीठे इनको मैंने नहीं बनाया है, मीठे के लिए आप ज़्यादा मीठा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं पूरा, मैं थोड़ा हल्का खाती हूँ इसलिए मैंने कम मीठे बनाए हैं। देखिए कितने अच्छे से बन के ये तैयार हुए हैं और ये लुढ़क भी गया है।